बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ आलू की टिक्कियों की चाट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और कमाल की रेसिपी है। तो आपने वीडियो को पूरी देखना है। आपने बहुत सी चाट खाई है, लेकिन आपने ये आलू की टिक्कियों की चाट कभी नहीं खाई होंगी। तो चलिए आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने 6 अदद आलू लिए थे, तो मैंने इनको अच्छे से बॉयल करके और इनको कद्दूकश कर लिया है। आपने भी इसको कद्दूकश करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, तो आपकी ये आलू की चाट बहुत मज़े की बनेगी। तो चले आए जी, अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चाट मसाला। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतनी मज़े की ये टिक्कियाँ बनेंगी, आपका दिल बार बार चाहेगा इनको खाने के लिए। 1/2 कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है बाइंडिंग के लिए। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी, ना कोई इसमें एग जाएगा, ना कोई इसमें ब्रेड क्रम्स जाएंगे। इतनी इजी और इतनी क्रिस्पी बनेगी। 5 टेबलस्पून मैंने चावल का आटा इसमें ऐड किया, इससे हमारी टिक्कियां बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। और ये जी सब्ज़ धनिया खूबसूरती के लिए है। तो चले जी, अब इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। ये देखें कितने अच्छे से ये देखें बाइंड हो रही है और ये ना टूटेंगी। ये देखें कितना हार्ड हो चुका है। ये देखें जी, अच्छे से मिक्स हो गया। तो चले आए जी, अब इसकी टिक्कियां बनाते हैं। इतने अच्छे से ये देखें बाइंड हो गई हैं और ये देखें ये टूटेंगी भी नहीं। जैसे मर्जी आप बनाएं, जिस शेप में आप पसंद करते हो उस शेप में बनाएं। ये देखें, मैंने कोई हाथ को ऑयल नहीं लगाया, कोई पानी नहीं लगाया, ये वैसे बहुत अच्छे से ये देखें बन रही हैं। तो चले आए जी, जल्दी से अब इनको फ्राई करते हैं। ये देखें जी, ऑयल गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखें जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब इनकी साइड चेंज करते हैं। देखें कितने अच्छे से, कितना जबरदस्त कलर आया है। तो ये देखें जी, कितनी क्रिस्पी लुक आई है, चेक करें। ये देखें जी, कितनी क्रिस्पी लुक आई है। तो चले जी, अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। अब इसको ठंडा करना है। ये ले जी, बाकी के भी रेडी कर लूं, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, टिक्कियां ठंडी हो चुकी हैं। ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी है, और आपने ऐसे इनको प्लेट में रखें। ये देखें कितनी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है। ये देखें जी, आपकी टिक्कियाँ ठंडी होनी चाहिए, वरना दही फट जाएगा। मैंने दही में हल्का सा नमक और हल्की सी चीनी ऐड की है। चलें जी, अब इसके ऊपर डाल दें। ये देखें जी, पुदीने और सब्ज़ धनिया की चटनी ले बना के आपको सिखा दी। इसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।
और ये मैंने मीठी चटनी बनाई है दही बल्लों के लिए और चना चाट के लिए। ये इमली और आलू बुखारे की चटनी है, इसका लिंक भी मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये देखें जी, ऊपर से खट्टी मीठी इमली और आलू बुखारे की चटनी और इतनी मजे की आलू की टिक्कियों की चाट बनेगी, आपकी तारीफों के ढेर लग जाएंगे और जब आपका दिल भी बढ़ जाएगा तब भी आप इसको बस नहीं करेंगे, इतनी मजे की ये बनी है। ऊपर से चाट मसाले की गार्निश कर दें। चेक करें लुक, देखते मुंह में पानी आ रहा है तो आप तो लाइक बनता है, आप इसको आपने लाइक भी करके जाना है, शेयर भी करना है ताकि दूसरों का भी भला हो सके। आपने इसको इफ्तारी में जरूर ट्राई करना है, जरूर बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।